सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए इस समाज को एक नई दिशा देने ये जो कार्यरत हैं सभी विशिष्ट जनों के श्री चरणों में मैं नमन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं मानव अंकल जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आप सभी से मिलने का मुझे मौका मिला। हम किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और कितने लोग इन कार्यों के अंदर रत हैं ताकि हमारे समाज को एक नई दिशा मिले और हमारा समाज किस प्रकार से समाज और राष्ट्र आगे बढ़े। देखिए मेरा एक मानना है कि हम जब भी किसी नई चीज की हम शुरुआत हम करते हैं तो हमें बहुत सारे विरोधाभास का सामना करना पड़ता है, मजाक का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम उस दिशा के अंदर अगर कार्य करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें समय लगता है लेकिन सफलता हमें जरूर मिलती है। मैंने भी सब सरपंच बनने का अपना सफर शुरू किया बनने के बाद और जिस प्रकार के कार्य मैंने किए चाहे वो लड़कियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो या गांव के विकास के लिए हो, तो जब मैंने भी शुरुआत की तो मुझे भी काफ़ी चीज़ों का इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा था। लेकिन मेरे मन में एक विचार हमेशा से यही था कि अगर आपको कोई पहचान दिला सकता है या आपको जिस चीज़ में आपको संतुष्टि मिलती है तो वो आपका आपकी जन्मभूमि आपका गाँव जहाँ आप हैं जहाँ जिसके लिए आप जी रहे हैं वो ही आपको आगे लेके जा सकता है। तो मेरे मन में शुरू से ये विचार था कि अगर मुझे पहचान मिलेगी या मुझे कोई अच्छा कार्य करना है तो मुझे इस गांव से ही करना होगा, यहीं से उस बदलाव को शुरू करना होगा, इस प्रकार का सोच करके मैंने काम किया और आज आप सभी के बीच में मैं आई हूँ तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि पंडित माता दीन जी की हमने जो जीवनी पढ़ी कि उन्होंने किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया और किस प्रकार का कार्य उन्होंने किया तो मैं कहती हूँ कि उसके बारे में तो शब्दों में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उनकी धर्मपत्नी मूर्ति देवी जी ने जिस प्रकार का उनका सहयोग किया, मैं मानती हूँ कि मेरे नजरिए से मैं ये मानती हूँ कि एक महिला का एक पुरुष एक महिला की कामयाबी में पुरुष का हाथ होता है तो पुरुष के की कामयाबी में भी उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो मैं ये मानती हूँ जिस प्रकार के कार्य वो अपने क्षेत्र में अपने देश के लिए कर पाए तो मूर्ति देवी जी का जो योगदान रहा वो असराहनीय जो योगदान है मैं मेरी नजरों में ये मानती हूँ क्योंकि अगर वो उनका साथ नहीं देती या जिस प्रकार से उनके साथ हर चीज में उनके साथ रही, क्योंकि अगर हम अपने गांव ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात करें या नॉर्मल तरीके से भी मैं एक बिल्कुल धरातल की अगर मैं बात करना चाहूंगी तो क्योंकि अगर कोई इस प्रकार का कार्य करता है निस्वार्थ भाव से करता है तो मैं मानती हूँ कई बार महिलाएं साथ नहीं देती है, वो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं कि आपको क्या आवश्यकता है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जीवन संगनी के तौर पर जिस प्रकार से साथ दिया वो बहुत ही जिनका शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते मैं मानती हूँ। और मेरा एक मानना ये भी है कि राष्ट्र के निर्माण की बात हो चाहे परिवार के निर्माण की बात हो या समाज के निर्माण की बात हो, जितना नेतृत्व महिलाएं कर पाती हैं जितना सहयोग अगर वो दे पाती हैं साथ में पुरुषों के साथ में तो मेरा मानना ये है कि समाज ज़्यादा तेजी के साथ जो है वो उन्नति करता है। तो उनका भी बड़ा अच्छा योगदान रहा है और मानव अंकल जी को मैं इसलिए वापिस से धन्यवाद भी देती हूँ और इनके श्री चरणों में नमन भी करती हूँ कि इनके जैसे सुपुत्र जो अपने जिस प्रकार के उनके साथ एक ये मिस हैपनिंग जिस प्रकार की बेटे को लेकर के हुई उसके बाद उनके भी स्मृति के अंदर वो इस प्रकार का प्रोग्राम करते हैं, अपने पिताजी की और माता जी की स्मृति में इस प्रकार का प्रोग्राम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे प्रोग्राम हमारे समाज को एक नई दिशा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, आप जैसे हम जैसे लोगों को प्रेरणा देते हैं कि हम अपने समाज में और भी अच्छा कार्य करें। तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित और नारगौड़ की इस धरती के ऊपर इस प्रकार का सम्मान अगर मुझे मिला है तो मैं उसमें भी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ क्योंकि मेरी जन्मस्थली ये यहाँ पर है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, आप सभी के श्री चरणों में पुनः पुनः नमन करती हूँ कि आप सभी के बीच में मैं आई और मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव भी मिला कि हम किस प्रकार से छोटे छोटे कार्य अपने समाज के अंदर कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि शायद हम लोगों से ही जो हम समाज में जिस प्रकार के कार्य हम लोग कर रहे हैं शायद यही चीज़ है जो सृष्टि को बैलेंस करके चल रही है। जिस प्रकार का आज माहौल और जिस प्रकार का आज वातावरण है उसको अगर देखें तो आप सभी जो हैं वो काबिले तारीफ हैं, आप अपने क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं और आप सभी के बीच में आपको मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जल में महल, महल में जलना, छत्ता शहद से खाली। जल में महल, महल में जलना, छत्ता शहद से खाली और बिना दुकानों की मंडी देखो। पुरानी मंडी में दुकान नहीं, बिना दुकानों की मंडी देखो, गुंबज है निराली,
और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में साथ साथ रौनक है। नारनौल है शहर अनोखा अद्भुत गौरवशाली। ये बहुत गौरवशाली शहर है जो लगातार अपनी बेटियों के माध्यम से, अपने बेटों के माध्यम से राष्ट्र को अपनी सेवा समर्पित करता है। ऐसे ही इस क्षेत्र की एक बेटी ने हम सबको गौरवान्वित किया है। एक बार जोरदार कर्णध्वनि के साथ हम सम्मान करें नीलू यादव जी का। और अब